Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. परम पूज्य श्री माधव सदाशिव गोलावलकर गुरुजी के चौक का लोकार्पण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय संचालक राष्ट्रपुरुष श्री माधव सदाशिव गुरुजी के चौक का भव्य निर्माण किया गया, जिसका भव्य लोकार्पण समारोह शनिवार 1 जून 2019 रात 8 बजे शिवसेना के मीरा भाईंदर जिला संपर्क प्रमुख विधायक श्री प्रताप सरनायक जी के शुभ हाथों से संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत संघ के गीत वंदे मातरम से हुआ। उद्घाटन समारोह में आए सभी नागरिकों का आभार शिव सैनिक शैलेश पांडे ने व्यक्त किया। बनाया इसलिए वह निधि इस काम में आ रही है, इसलिए इस काम का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो शिवसेना के विधायक आदरणीय प्रताप सरनाई जी को जाता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जिस दिन मैंने पक्ष प्रवेश किया, शिवसेना में पक्ष प्रवेश किया, हमारे साथ हजारों लोग थे, तभी भी मैंने साहब से एक निवेदन किया था कि साहब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं और मेरी आपसे यह हाथ जोड़कर विनती है कि आप मुझे शाखा में जाने की परमिशन दे, अनुमति दे। प्रताप सरनाई साहब ने एक सेकंड भी समय नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत कहा कि शैलेश पांडे तुम शाखा में जाओ और तुम्हारे साथ मैं भी शाखा चलूंगा और मैं भी तुम्हारे साथ नमस्ते सदा वत्सलेगा। नेहा पांडे जी जो नगर सेविका है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता तथा शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी, उनके माध्यम से ये चौक का नामकरण आज हुआ है। बहुत सालों से उनकी तमन्ना थी कि इस चौक में गोलावलकर गुरु जी का नाम होना चाहिए और दो साल के बाद में जो यहाँ पे नगर सेवक बने, तभी उन्होंने उसकी भावना व्यक्त की और आज उनके नामों से और उनके निधि से यहाँ पे चौक का नामकरण हुआ है। मैं उनकी शुभकामनाएं देता हूँ और नेहा जी बहुत अच्छा काम उस परिसर में करे और उसके माध्यम से हम बहुत खुश है और ऐसा ही काम अगर शिवसेना के लोग यहाँ पे करेंगे तो निश्चित रूप से इस परिसर में शिवसेना के माध्यम से विकास की करता है। धन्यवाद देता हूँ गुरु जी का पूरा जीवन जो है माँ भारती के लिए है। आज उनका ये विचारधारा है कि पूरे देश में भगवा फैल रहा है और निश्चित तौर पे भारत विश्व गुरु बने, ऐसा उनका परिकल्पना था। तो आज जो कि मोदी जी के रूप में वो होता हुआ दिख रहा है कि आज पूरा भारत पूरी दुनिया के नक्शे पे कहीं ना कहीं जो है पूरी दुनिया में भगवे के बारे में बात होने लगा है और भगवे के बारे में लोगों का मंतव्य बदला है कि भारत भूमि में जो भी परिकल्पना रहा है हमारे पूर्वजों का, वो पूरे दुनिया को लेके चलने का रहा है और भारत विकसित होगा तो पूरा दुनिया विकसित होगा। अमन शांति का उनका एक पैगाम था कि कोई भी पिछड़ा व्यक्ति होगा, जंगल में होगा, कोई गरीब व्यक्ति होगा, सब एक साथ मिलके विकसित हो, ये उनका परिकल्पना था। आज कहीं ना कहीं वो पूरा होते हुए दिख रहा है। मैडम आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं? मैं पूर्ण तरह से बोल रही हूँ और राष्ट्र सेवा संघ इसका हम जो बहुत सबूत भी नहीं निकाल रहे थे, आज ये साबित हुआ। यहाँ शिवसेना की एक नगर सेविका और आरएसएस के एक गुरुजी का चौक बना रही है, अपनी निधि दे रही है, तो इससे सुंदर समन्वय और कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं समझती हूँ जो व्यापक अर्थ हम आरएसएस का निकालते हैं कि वो हर एक हिंदू के लिए बना है और हिंदू की व्याख्या ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति उनके लिए हिंदू है, वो आज यहाँ सिद्ध हुआ है। लोगों का दिल जीतने में कामयाब हुई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में शिवसेना की पसंद बढ़ी है, शिवसेना का व्यापक जन समर्थन बढ़ रहा है, जिससे मुझे लगता है आने वाले चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र से साफ हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस फिर से एक बार महाराष्ट्र में भगवा झंडा, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे का, छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा महाराष्ट्र के विधानसभा में फिर लहराएगी।